धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। प्यार, प्यार आखिर है क्या? शायद ये बात किसी को पता नहीं। कुछ लोग प्यार के लिए जान ले लेते हैं और कुछ लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं। आखिर इस प्रश्न का जवाब है क्या? सुनिए सुनिए, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारे दिल में ही नहीं, एक और इंसान के दिल में है। आइए उसके साथ हम भी इस सवाल का समाधान ढूंढते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारा सवाल प्यार के बारे में ही है ना? हाँ गुरुजी, को कैसे पता? गुरुजी, प्यार होता क्या है आप समझाएंगे मुझे? प्यार शरीर को छोड़कर मात्र एक आत्मा से जब प्यार हो, उसे भी प्यार ही कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अर्थ समझ में नहीं आया? जब तुम्हें कोई सुंदर लड़की पसंद आ जाए तो वो वासना, और अगर वही सुंदर लड़की तुम्हें पसंद करे तो वो प्यार होता है ना? पर गुरुजी, आजकल ऐसा प्यार मिलता कहाँ है? आजकल जहाँ देखो वहाँ हर जगह कामना वासना ही नजर आ रही है, प्यार करने वाले प्रेमी नजर ही नहीं आते। सिद्धार्थ, सोना दिखने में कम जरूर दिखता है लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है। जैसे शुद्ध जल को परख कर पीते हैं, उसी तरह प्यार को हमें वासना की नजरों से नहीं, प्यार की नजरों से परखना चाहिए। लेकिन ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। है? है? कहाँ लिखा है? कौन से वेद या पुराण में ऐसा लिखा है, मुझे बताइए गुरुजी। इसी मंदिर में ये मूर्ति साक्षी है, ये बहता हुआ पानी साक्षी है। इसी गांव में कुछ साल पहले एक प्रेम कथा घटी थी, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वो कितने लापरवाह हो गए हैं, पता है आपको हम कब से इंतजार कर रहे हैं? हमरे पास नहीं आए तो गांव में क्या कर रहे होंगे? सगाई हो जाने के बाद से हमरे बारे में तो सोचते ही नहीं है, पर उनसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे, और जाना तो पड़ेगा ही।
जल्दी भेज दीजिए ना उन्हें। थक गए हम। अरे बाप रे, सच में गुस्सा में भी तुम कितना खूबसूरत दिख रही हो, हैं? अच्छा बाबूजी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं और आप हमें आकर कविता सुना रहे हैं, काहे इतनी देर लगी? हाय पायल, ठीक बा, तो है देर काहे लगी? अरे वो का है ना, गांधी जी अपने गांव में आए हैं, यही खातिर वहाँ बहुत भीड़ जमा हुई है। अच्छा, ये सब देख के लग रहा है कि हमको आजादी जल्दी ही मिल जाएगी। अरे हमको ही नहीं, बहुत जल्दी पूरा गांव को स्वतंत्रता मिल जाएगी। अच्छा, ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब हाँ। हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, हम अपना पानी पी सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पानी भी खरीद के पीना अच्छा। पड़ेगा। और पता है गांधी जी कहाँ बोले थे? ईका छुपा रहे हैं? अरे कुछ नहीं है, दिखा हमरा के। ईका है? अरे अंग्रेज लोग इसको पहना के कुश्ती लड़ाते हैं, अगर इसको पहन के जीत गए ना तो 90 रुपया मिलेगा और हम लोग अपनी शादी धूमधाम से करेंगे। वो का है, बाबूजी 80 रुपए दे रहे हैं, उसे धूमधाम से कर सकते हैं। तुम्हारे बाबूजी का पैसा हम लोग का है ले, ये पैसा से ना गोदावरी के पास घर बनाएंगे हम लोग, तुम्हारे लिए सोने का कंगन लाएंगे, बहुत सुंदर लगोगी तुम। अच्छा ठीक बा, अब आँख बंद करो। उका है? करो ना। ए मेहरारू, आँख बंद करवा के कहाँ जा रही हो, थोड़ा देर रुक तो जाती। आहा, शादी हो जाने दो फिर मेहरारू बोलना। नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह, जन्मों का रिश्ता है अपना, हो संग में है जीना मरना, धरती कहे ये पुकार के, साथी सच्चे हम प्यार के, सांसें लूं मैं तेरी सांस से, धड़के दिल तेरे एहसास से, एक दूजे के लिए ही हम तो हैं बने। नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह, ख्वाब तो तेरे संग में ढले, मेरी सुबह मेरी शाम तुझसे ही ढले, नैन जब मेरे तेरे नैनों से मिले, ये जिंदगी का पता तब तुझे मिले, मेरी तो दुनिया तेरी पलकों तले, मेरे तो दिन और रात तेरे संग चले, है जैसे रब की दुआ, मांगू तुझको ही हर दफा, मेरा तुझसे ही वास्ता, तेरा मेरा है एक रास्ता, दो बदन है हमारे पर है एक जान। हाँ मैं चलूं वहां
छूने चले, राहों में फूल या कांटे मिले, मंजिल मेरी है राहों में तेरी, हम कदम हर कदम संग तेरे चले, मांगो में यही ख्वाहिश है मेरी, पाना चाहूँ तुझको हर जन्म में पिया रे, नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह। अरे ओ, ये सब कहाँ है? कल शादी है और वो कुश्ती लड़े चला गया। मुहूर्त होने तक आ जाएंगे माँ। तू का साथ देते ना, ये खातिर वो बिगड़ रहा है। वो कुश्ती में तीन लोगों की जान चली गई है, पता है तुम्हें? फिर का तू मरे हुए इंसान से शादी करेगी? अगर आज वो कुश्ती में लड़ा ना तो सोच लेना, तुम्हार शादी हम चौधरी के बिटवा के साथ करवा देंगे, समझ गई? अरे तुम यहाँ कहे आई हो? अरे तुम देख रही हो ना, उन लोग तुमको घूर घूर के देख रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, कल हमारी शादी है और आप यहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं। तुम भी ना, हम दो लोग को हरा चुके हैं, तीसरा हरा देंगे तो 90 रुपया मिलेगा। हे भगवान, हमारी बात समझ नहीं आती, कुश्ती लड़ना बंद कीजिए। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? कि हम तो उसे प्यार करते हैं, अगर तो के मार लगी तो दर्द हम लगे हुई। ये बताओ तो राके कुश्ती चाहिए या हम चाहिए? ये कुश्ती बंद नहीं किए तो माँ कहीं और शादी करवा देंगी। जल्दी आ, समझ काहे नहीं रहे हो? अरे तुम समझ काहे नहीं रही हो, जाओ। भैया ऐसा क्या बोल दिए तुम? अरे कुछ नहीं, वो हमारी जान है, कहाँ जाएगी? जीत गए तो 90 रुपया मिलेगा, तुम्हारी भौजी को सोने का कंगन थमा देंगे, फिर देखना महारानी लगेगी वो। करवा रही है इनसे प्यार करके, हम किसी और के साथ जीवन नहीं बिता पाएंगे। मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारी मौत का कारण ये सब अंग्रेज लोग हैं, हम अपनी राजकुमारी को कभी ना भूल पाएंगे। हमारी मौत का कारण हमारी माँ है या जिनसे हम प्यार किए वो है। इस तरह उन दोनों प्रेमियों की जान चली गई।
ये कैसी प्रेम कहानी है? प्यार करने वाले कभी ऐसे मरते हैं क्या? लैला मजनू ही रांझा एक दूसरे के लिए मरे थे वो समझ में आता है, लेकिन इन दोनों की मौत मेरी समझ में नहीं आई। ये कैसी प्रेम कहानी है गुरुजी? सिद्धार्थ, मैंने ये कहानी तुम्हें अभी आधी ही बताई है। लेकिन वो लोग तो मर चुके थे ना? जब उनकी मौत हुई थी उस वक्त उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई थी, और उसे पूरा करने के लिए दोनों ने दोबारा जन्म लिया। अगर प्रश्न है तो समाधान भी है, उसी तरह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी जरूर मिलेगा। सच्चे प्रेमी किसे कहते हैं एक दिन खुद देखोगे। इंट्रो हो रहा था, आपने जगा दिया मुझे। इतनी जल्दबाजी क्या थी? अबे मैं अगर जल्दबाजी नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा गधे? बुक्स की जगह हाथ में ग्लास पकड़ रखा है तूने। 18 लाख रुपए देकर तेरे लिए सीट खरीदी थी मैंने। अब सोने दो ना, मैं अपना सपना देखने जा रहा हूँ। ये कुंभकर्ण की औरत फिर सो गया। इससे अच्छा जमीन खरीद लेता तो 2-4 लाख रुपए बढ़ जाते अब तक, पता नहीं कहाँ से पैदा। अरे मालकिन, कितनी बार कहा है थोड़ा सब्र करिए, मैं हूँ ना काम संभालने के लिए। अरे तेरे हाथ का बना हुआ खाना मेरे बेटे को पसंद नहीं आएगा, तू चल मैं आई। हेलो मैडम। हाँ, मेरी बाइक का क्या हुआ, उसके बारे में सोचा ही नहीं आपने? हाँ, क्यों सोचोगी, फुर्सत ही नहीं है आपको। सोचोगी तब ना जब तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिलेगी। अच्छा मुझे? अरे क्या है, पापा सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आप उन पैसों से गहने पहन के टीवी देखती रहती हैं। अरे उनका भी ध्यान रखिए मेरे बेटा। हाँ पापा बताइए। अरे गधे एक्टिंग मत कर, मैं आ रहा हूँ इसलिए तूने हाथों में बुक पकड़ रखी है, ओवर एक्टिंग मत कर। अबे बुक तो सीधा पकड़ गधे, अपनी माँ से क्या कहने वाला था? वो क्या है कि अगले साल तक आप मुझे डुन 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 खरीद के देने वाले हैं। डुन डुन डुन। क्यों खरीद के दे बे? मैंने जो बोला वो याद है, लेकिन मैंने जो पूछा था वो याद नहीं है? क्या पूछा था? अरे पास हो जा, जब तू पास हो जाएगा ना तभी बाइक खरीद के दूंगा, जब बाइक पे बैठेगा ना तो अच्छा भी लगेगा। अरे और वैसे बाइक पे घूमने के लिए वो तेरा आवारा दोस्त नागार्जुन है ना। तू जल्दी से आजा, फिर हम दोनों बाइक पर बैठकर चले जाएंगे। हाँ? अबे साले तुझे बस में बैठना चाहिए, ऑटो में बैठना चाहिए, तू डायरेक्ट मेरी बाइक पे बैठेगा। इडियट। मेरी बाइक पे मेरे अलावा मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ अर्जुन बैठेगा। उस काले सांड की बाइक पे कब तक बैठूं? काला सांड बोला? नागार्जुन, मैंने तुझे जो बोला तू वो गलत समझ रहा है, वो पापा मुझे डांट रहे थे इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। बात मत कर। आज तेरे पास बाइक है तू ऐसा बोल रहा है, कल को मेरे पास होगी तो मैं भी नहीं बिठाऊंगा। दादा तूने बोल दिया। चल 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 कॉलेज चलते हैं, चल यार चल चल अच्छा चल चल। बद्री को क्या हो गया, सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अबे बे, ये फोन कौन सा है? लेटेस्ट फोन है, मार्केट में नया आया है। अच्छा ये बता, ये फोन किसके लिए है? पूजा के लिए। पूजा को क्यों दे रहा है? हग देने के लिए। हग करने के लिए? पूजा को हग मैं कर देता हूँ, ये फोन मुझे दे दे। खींच के मारेगी? आहा, अगर मारेगी तो उसे दे देना, नहीं मारी तो मुझे दे देना। नागार्जुन भाई अभी आता। जीते रहे मेरे शेर। गीता हाय, कैसी हो? हे, मैं हूँ पूजा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड गीता है, सॉरी। हाँ सॉरी। इट्स ओके अर्जुन। अरे क्या कर रहा है यार तू, शायद हार गया है। गीता कैसी हो तुम, कितने दिनों के बाद मिली हो? अरे इसको भी लपेट लिया। मैं हूँ रिधि। ओ अच्छा तुम हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आज मुझे हर लड़की ने गीता नंबर क्यों आ रही है? अरे लड़कों की फीलिंग को कोई समझता ही नहीं, एक बार गले लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा। चल ला ये ले, ये फोन तेरा हुआ। नागार्जुन मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। ओके सर, पूछेंगे तो तू अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अरे बद्री, मुझे लगता है ये लड़की है ना मेरे लिए ही बनी है। अबे वो तेरे से कैसे बटेगी? तू ना
ब्लैक बोर्ड की तरह है और वो ना चौक पीस की तरह है। एक न एक दिन इस हसीना से कनेक्शन जोड़ कर ही रहूंगा। तू देख कैसे इसे अपनी बाइक पर बिठाता हूँ। लगी वो मुझे मिल गया और मैंने उसकी बैंड बजा दी। Excuse me, where is engineering block? Junior हो? नहीं, final year. College में नई admission लेने वाली अक्षरा हो? हाँ. Join the club. Thank you. Let's take a selfie. Sure. हाँ. Come. मैं भी. Hi अक्षरा. महालक्ष्मी. कैसी हो? अक्षरा को तुम जानती हो क्या? हम intermediate में classmate थे. Best friends. Oh. मैडम तो फिर मुंबई में इन्हें सीट मिली है। हमारा मैनेजमेंट कोटा है ना, इसलिए पुणे से यहाँ इसे इम्पोर्टेंट काम के लिए आना पड़ा है। सही कहा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या काम है? उठाऊं क्या? इम्पोर्टेंट कॉल होगा, उठा ले। हेलो, आज ही तो मैं आई हूँ, आकर मिल लूंगी ना। कॉलेज बताओ। नो, मैं आ जाऊंगी। हे भगवान, यहाँ मत आना। क्या हुआ, तू भी प्यार करने लगी? क्या बताऊं, हद कर दी तुमने। डैडी को डाउट हो जाएगा ना। मैं आ जाऊंगी, बाय बाय। ए, क्लास का टाइम हो रहा है ना, चल। अर्जुन। हाँ? अर्जुन। ओए माँ। अर्जुन। बाप रे। बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए तुम्हें आईपैड चाहिए था ना। हाँ? ये लो। हाँ? अबे पागल है क्या, आईपैड पे कोई बॉक्सिंग कैसे करता है? पागल ये नहीं है, जिसने लाकर दिया ना वो पागल है। एक बात बताऊं तेरे को, मुझे तो लगता है इन दोनों को देखते देखते हम दोनों पागल हो जाएंगे। समझा? सही बोला। अरे ये सब किस लिए? कितने का है ये? कितने का है मत पूछो, क्या चाहिए ये बोलो। मुझे बुरा लगता है अर्जुन। वो क्या है कि मार्च 31 में मेरा मैच है, तो मुझे ग्लव्स चाहिए थे। सिंगापुर के सबसे अच्छे ग्लव्स होते हैं, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ। मेरे डैडी कल सिंगापुर जाने वाले हैं। महालक्ष्मी, लेकिन वो मेरे लिए क्यों लाएंगे? हाँ, वो तो है। हाँ, बाप रे, कल इसका बाप सिंगापुर जाने वाला है, इसने आज ही प्लान बना लिया। अर्जुन। बच गया। मैंने मना किया था ना, तो फिर इतनी बार कॉल क्यों किया? डैडी को पता चला ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ आने ही वाली थी ना दीदी। अरे तू ये सब छोड़, पिताजी कैसे हैं? उन्हें देखे 3 साल हो गए। डैडी का क्या, वो बिल्कुल अच्छे हैं, तुम टेंशन मत लो। बेबी कैसे हो तुम? मम्मी को परेशान मत करना, तुम्हारे पापा तुम्हें और मम्मी को नाना जी के पास जरूर लेकर जाएंगे। मुझे लगता है पिताजी का गुस्सा कम नहीं होगा। ओफो दीदी, बिल्कुल होगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास नहीं है। हमारी शादी हुए 3 साल हो गए हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। ओफो जीजू, मेरी बहन के आगे पीछे कितनी बार घूमे? आई लव यू बोलने के लिए कितनी बार आगे पीछे घूमे थे, पर शादी के बाद ईगो आ गया कि मैं मर्द हूँ। अरे रे, टाइम हो गया। अरे, चला फास्ट चलाओ ना। ओ गॉड। जानकी, आधा घंटा लेट हुई तो हाफ पैक, 1 घंटा लेट हुई तो फुल पैक। मैंने पहले ही बोल दिया था बेटी, 1 घंटा लेट हो गया तो फुल पैक चल रहा है मेरा। जानकी, आज फर्स्ट डे था ना कॉलेज का, इसलिए लेट हो गई। लैब गई थी, लाइब्रेरी गई थी। अरे इस तरह से बड़ी बेटी ने भी बोला था जानकी, प्राइवेट क्लासेस बोली थी, घर छोड़कर ऐसे ही चली गई। 3 साल हो गए हैं, अब तक घर पर वापस नहीं लौटी। देखिए, दीदी को कुछ भी बोले ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैडम। ओ मैडम। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बेटा? फ्रिज में अंडे क्यों नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
तेरे पापा भी काम में बिजी थे और मैं मार्केट नहीं जा पाई। सुन बेटा, जो कुछ भी बना है चुप चुप खा ले। अरे इस घर में हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई एम अ बॉक्सर, अंडे मेरे लिए कितने जरूरी हैं, उसमें न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, कुछ पता है या नहीं? एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए पता है तुझे? कौन है बे? तेरा बाप हूं। एक दिन अंडे की ऑमलेट नहीं मिली तो कितनी खिंचाई कर रहा है हमारी तू? और तू रोज अंडे की तरह जीरो मार्क्स लेकर के आता है। तेरी पढ़ाई पे लाखों खर्च कर रहा हूँ, हम तो शिकायत नहीं करते। हर बात में पैसों को लाना जरूरी नहीं होता है। अंडा देने वाली मुर्गी को भी दर्द होता है, पता है कि नहीं? ये बताइए, मैंने आपसे मांगा क्या है? वो डुर कैंसिल, ओके? सच में? हाँ। थैंक्स बेटा। अरे बेटा, तो बाइक को क्यों मना कर रहा है? आपको ये सेक्शन समझ नहीं आएगा, आपको ये समझ आता है ना, तो वही करिए। बाइक नहीं चाहिए ना? थैंक यू बेटा। बाइक नहीं चाहिए, बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद देंगे ना तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। अरे तेरी फीस भर भर के पहली बर्बाद हो चुका हूँ, ऊपर से बॉक्सिंग ग्लव्स चाहिए? एक बात पूछता हूँ, अपने बीच में ही रखना, तेरी इस बॉडी को बॉक्सिंग की जरूरत है क्या? हेलो रावत जी, किक बॉक्सिंग के लिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए होता है। अच्छा, यही इस्तेमाल करके एक सब्जेक्ट में पास होकर दिखा दे तू। क्या बोला आपने? सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हो जा। हाँ ठीक है, एक सब्जेक्ट में पास हो गया ना तो आपको बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे। फंस गया मैं तो। ठीक है ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में पास होकर दिखा दिया ना तूने, बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदूंगा। अरे इतने हिम्मत, तू मुझे चैलेंज करेगा? यस, इट्स माय चैलेंज। चैलेंज? उधर चैलेंज तो तूने कर लिया बेटा, इधर प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया। कम ऑन कम ऑन, ठीक से पंच मार मुझे। गिव अ फ्लाइंग पंच एंड गो फॉर द क्लोज काउंटर। कम ऑन सर। टाइम क्या हुआ है अर्जुन? सर सॉरी सर, वो आने में मुझे थोड़ा देर। आउट सर, कल से टाइम पे आऊंगा सर। आई से आउट आउट। उसे आने के लिए बोलिए सर। सर नेक्स्ट मंथ के 31st को उसके साथ मेरा फाइनल मैच है सर। अगर वो मुझसे हार गया ना तो कहेगा कि यहाँ प्रैक्टिस नहीं की इसलिए हार गया सर। सर लेट हुआ, मुझे पनिशमेंट दीजिए, लेकिन मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। ओके बट लेफ्ट हैंड डाउन सर। Left hand down. Start. Thank you, sir. Come on. क्या कर रहे हो तुम? What are you doing, Arjun? Listen, टैलेंट होने से काम नहीं होता है, फोकस भी होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य के पास अर्जुन और दुर्योधन ने एक साथ शिक्षा ली थी, और द्रोणाचार्य को अर्जुन ही पसंद था। तेरा नाम अर्जुन है पर तेरे अंदर अर्जुन नहीं है। Get that? Out. Out. औरतों के ऊपर अन्याय हो रहा है। yes. लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि रात को भी औरत खुद को सुरक्षित समझे। नेहरू जी नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अरे पागल, गांधी जी ने कहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी, बोलो। पता नहीं क्यों तुम मुझे पसंद नहीं आई। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, तो अब क्या करें? ये नफरत ना हमेशा रहनी चाहिए। ओके। बिल्कुल। औरतों के ऊपर ना जाने कब से अत्याचार हो रहे हैं। चित्रहार में आप लोगों के लिए पहला गाना। चित्र अभी आप लोग देख रहे हैं, और गाना लड़कियों तुम बिल्कुल भी मत सुनना, और ये गाना हम लोग एंजॉय करेंगे। चल बद्री शुरू हो जा। हम नारियों को पूजते हैं, मजे करते हैं देवता। तेरी क्या राय है? लेकिन मुखड़ा बकवास है। मजा नहीं आया तुझे? लेकिन अब आएगा। ये
बात पते की कहता हूँ, कुड़ियों की बातों में आना ना, ले जाएंगी दिल को लूट, नैना तू इनसे मिलाना ना। फेसबुक पे ये लाइक करे, लड़कों को इनवाइट करे, नखरे दिखाए कुड़िया सयानी, जब कोई प्यार में फंस जाए। ये बातों में इनकी ना आना, जाल में ना फंस जाना, बातों में इनकी ना आना, अरे जाल में ना फंस जाना जाना। ये लपका चलाए हम पे जादू, डॉटी ये छोरे बातें न माने, कैसे करें इनको काबू, इनका भरोसा ना करना, हर कोई इन पे डाउट करे, आशिक है चीटर ये बड़े, दिल को ये शूट आउट करे, हाँ झांसी में इनके ना आना, हर ये तो लीला रस करे। ए, 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 बातों में इनकी ना आना, जाल में ना फंस जाना, बातों में इनकी ना आना, जाल में ना फंस जाना। गुंडे 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 गुंडे, बचना है इनसे तो ब्रदर तू राखी बंधवा ले, टोटल फ्रॉड ये संभल जा रे, ये नाटक छोटा ये, ना हमको ऐसे तू दिखा, खैर जो चाहे तो अपनी हो तफारे। ओए ओए, फोन पे भी मैसेज दे तो, कॉलेज में भी लिफ्ट दे तो, भूल से भी होके क्रेजी दिल ना देना रे, स्टाइल ऐसे मार न तू, गर्लफ्रेंड समझ पटा न तू, कॉलेज में ना कोई तेरे जैसा लवर छूटा रे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। Come on, strong हम है रे, अरे ना हमको तू डरा, तुझ पे हम मरते ना, ऐसे सोच तू रे, ऐसे तू हमसे ना टकरा रे। मैरिज हम तो करेंगे फैमिली की मर्जी से, अपने प्यार का जादू ना हम पे चला रे। जब देखो तू रोती है, बात को इतना बढ़ाती है, लाइफ बर्बाद न करना रे, और लाइफ उसकी बन जाए, वो फॉरेन का वीजा ले। ये बातों में इनकी ना आना, जाल में ना फंस जाना रे, अरे बातों में इनकी ना आना, अरे जाल में ना फंस जाना, जाना। गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप? देखना उन्हें एक न एक दिन इस घेरे के अंदर आकर खड़ा होना ही पड़ेगा। सच में गुरु जी? जो तू सोच नहीं सकता वो होने वाला है, वो तुम देखोगे, आप अवश्य देखोगे। बद्री ने? तू सुसाइड क्यों कर रहा था बे? पूजा टांग दे गई यार। अरे पागल, वो तुझसे कैसे पट सकती है बे? जो होना था वो हो गया, तू अर्जुन को मत बताना। कैसे हुआ ये सब? तो कुछ भी उगलना मत। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, फूड पॉइजन हुआ है। चलो ना चलते हैं, चलो ना भाई। हा? कुछ नहीं हुआ उसे, चलो ना भाई चलते हैं। सच सच बताओ। अरे बद्री को कुछ हुआ होगा तभी तो बताऊंगा ना तुझे। ए, जो मैं कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? मैंने कहा सच बताओ। बहुत हो गया, आज के बाद हम किसी भी लड़की का नाटक बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है।
है ये? कुरियर सर। आपकी बेटी हॉस्टल में क्या करती है इस वीडियो में देखिए। अरे बाप रे, अजी सुनती हो? मेरा नाम बद्री है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, अब लव फेलियर की वजह से टूट चुका हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के ही प्यार कीजिए, वरना टपक जाओगे। दवा दारू में इसने दो चैन बेच दिए। बेटी का इंटर कंप्लीट होते ही बीटेक ज्वाइन करा दिया, उसके बाद उस पे ध्यान दिया आपने? टीवी देखते रहते हैं, बीबी की बकवास सुनते रहते हैं, लुंगी पहन के बस बीबी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। आज आपकी बेटी की वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कभी ध्यान दिया है आपने? एए, तेरे से ही पूछ रहा हूँ। मुझे मोबाइल का चार्जर अगर उसे नहीं मिलता है तो घर में पागलों की तरह घूमती रहती है वो। मम्मी, मेरा चार्जर कहाँ? कितनी बार बोला? मेरा चार्जर मत निकाला करो, अर्जेंट कॉल है मम्मी। इसका मतलब उसकी बैटरी कहीं और खर्च हो रही है। वाईफाई कनेक्शन ऑफ होती है, ऐसा लगता है जैसे सांप बिल से बाहर आ गया हो। इस बारे में कभी आपने सोचा है? वो जरूर कहीं और सिग्नल दे रही होगी सर। हाँ? पापा, नेट को क्या हो गया है? वाईफाई काम नहीं कर रहा। लव सॉन्ग सुनते हुए खाने पे भी रंगोलियाँ बनाना शुरू कर देती हैं ये। पुष्पलता, पुष्पलता, मतलब ये है कि आपकी लड़की आपके हाथ से निकल चुकी है सर, बचा लीजिए सर। धोखा हो गया घड़ा वाला। ए, तूने क्या बोला यार? और ये क्या बोल रहा है? क्या तू उल्टी का बहन लगी है? अरे तू चुटकी क्यों बजा रहा है? मुझे इस तरह की बॉडी बहुत पसंद है। अब तुमने जिम जाना क्यों बंद कर दिया है बोलो? हॉस्टल में आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जानू। ओके। माँ, क्या देख रही है तू? हीरो की बॉडी माँ। तेरी एज क्या है उसकी एज के? हाँ, यही पढ़ रही है तू? हाँ? क्या है री? मैंने कहा था पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, और तू यहाँ खड़ी सिगरेट फूंक रही है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सिगरेट दारू, यही तो लाइफ है। इसी का तो लाइफ कहते हैं। कॉलेज में ना करना प्यार, बदला पड़ेगी। ये सब क्या है? अरे माँ, पूछ रही हूँ ये सब क्या है? आयुर्वेदिक की दवा है, शरीर के लिए अच्छी होती है। आयुर्वेद की दवा? फायदे अभी बता रही हूँ। बेटी, तूने अपनी माँ से कहा था ना तू लाइब्रेरी जा रही है? अरे सुरेश ने कहा था कि शाम को वो पब लेकर जा रही है। ये बात तेरी माँ को पता चली तो? मेरी माँ को कौन बताएगा? बेटा जरा आँखें खोल के देखो, आँखें खोल के देख। देखो कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। मम्मा, बाथरूम में सेलफोन के साथ क्या कर रही है? वो क्या है ना, अगर तुम फोन करोगे तो? मैं फोन करूंगी तो तू ब्रश करते हुए मुझसे बात करेगी। हाँ, इधर आ तुम। क्या हुआ तुम्हें? किस करने को कहा तो वेट क्यों कर रहे हो? कुछ टूट रहा है। सत्रह साल, 20 लाख रुपए स्कूल के खर्चे, कॉलेज के खर्चे, और ऊपर से हॉस्टल के खर्चे भी दिन रात मेहनत करके भरते रहे, और तू यहाँ पे मुंह काला कर रही है, कार में इज्जत निराम कर रही है। आखिरी बार देख लेती क्या हाल करती हूँ बेटी। इसकी माँ इसे कितना प्यार करती है। अच्छा हंगामा, अच्छा हंगामा, देखो ये कैसा हो रहा ड्रामा। कॉलेज में ना करना प्यार, वरना पड़ेगी बहुत बड़ी मार। कॉलेज में ना करना प्यार, वरना पड़ेगी बहुत बड़ी मार। बहुत हॉस्टल में, अब घर चल, अब घर चल, घर चल कर पढ़ाई कर। बढ़िया, क्या हुआ? खाना खाया क्या? खाया ना खाना? हाँ, खाया क्या? हाँ, अरे क्या हुआ बताओ ना। खाया ना, खाया ना, खाया ना, खाया ना। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया, मैं भी इंसान हूँ, बताओ ना क्या करूँ। ना बच्चू, ना 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 बच्चू। खाया ना? ना रे।
ना रे। अच्छा हंगामा, अच्छा हंगामा, देखो ये कैसा हो रहा ड्रामा। ए ए ए ए स्टूडेंट बेचारा पढ़ाई का मारा, मस्ती जो करेगा सजा भुगतेगा। ए चल। अरे साहिल सुनो, कल तुमने बोला था ना पिक्चर देखने के लिए चलेंगे, चलो आज तो मैं तुझे पिक्चर दिखाने वाली हूँ, वो तो देखती जाओ। कल वो ही मुन्नी बाई। माता रानी के मंदिर में ढेरों मन्नतें मांगी थी, तब कहीं जाके तू मेरे घर में पैदा हुई थी, उसका फल ये मिला। ऐसे ही बस मुझे आशीर्वाद देते रहो, आशीर्वाद देते रहो। अरे क्या हुआ आंटी? ये लीजिए। क्या हुआ आंटी? बेटा आज शुक्रवार है ना, मैंने व्रत रखा था, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे और कुछ नहीं। अरे रे, अस्थमा होता है तो उपवास नहीं रखना चाहिए। मेरा नाम अक्षरा है, इस घर में नई रहने आई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है, ये घर मेरा है। ओह, ये उपवास किसके लिए रखा है आंटी? मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे को बॉक्सिंग बहुत पसंद है, अब की बार वो पास हो जाएगा ना तो बॉक्सिंग के क्लासेस खोलेगा, इसलिए सात शुक्रवार व्रत रख रही हूँ ताकि मेरा बेटा बॉक्सिंग जीत जाए। आपके बेटे का नाम अर्जुन है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा बेटा बॉक्सिंग अच्छा खेलता है ना? ये क्या आंटी, सब पूछते हैं मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है या नहीं, और आप पूछ रही हैं मेरा बेटा बॉक्सिंग अच्छी करता है। मेरा क्या? बेटा पढ़ाई में कैसा है मुझे पता है, मेरे बेटे को बॉक्सिंग बहुत पसंद है। जब वो मेरे पेट में था ना, बहुत बॉक्सिंग किया करता था। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। बेटी, एक बार मेरे सेलफोन से मेरे बेटे को फोन तो लगाना जरा। पेट फाड़ तक पियो। देख तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। इस टाइम पे मम्मी से बात करूंगा तो मेरी बेइज्जती ही होगी। आंटी, वो फोन नहीं उठा रहा है। उसने अपने पापा को चैलेंज किया है ना, शायद पढ़ रहा होगा। चैलेंज किया है? कट 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 कर दूं। बड़े लोग बिल भरते बद्री। जब छोटे लोग हों तो बड़े लोग बिल भरते हैं। चल भाई, आज तू बड़ा है, तू बिल भर दे। 25,000? मेरे पास पैसे नहीं है यार, पूजा सब लूट के लेके गई। हाँ। चल, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वी हैव एटीएम। खाक भरेगी। लड़कियां ना भरवाती है, भरती नहीं है। लगी शर्ट? लगी। 30,000। 20 के पैसे यार। ठीक है, इसे संभाल के रखना। हेलो माँ लक्ष्मी। हेलो माँ लक्ष्मी। क्या हुआ अर्जुन, फोन क्यों किया? मेरा दिल बहुत उदास था तो मैंने बहुत पी ली, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ गया है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। हाँ, आती हूँ। कहाँ हो तुम लोग? आज शनिवार है ना, तो आज मैं बार में हूँ। ठीक है ठीक है, अभी आती हूँ। अरे महालक्ष्मी, हाय। पागल हो क्या, इतनी कौन पीता है?
नहीं वो पार्टी के चक्कर में थोड़ी, पहले बताते तो घर से स्कॉच बॉटल लेकर आती। बिल कितना हुआ है? 25,000 विद जीएसटी। 25? इस बार मैं जीता। इतनी पीने के बाद बस 25? कॉलेज की फीस है यार। नेक्स्ट। अर्जुन कम, मैं ड्रॉप करती हूँ। अरे क्यों, ये दोनों दिखने में अजीब है लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं इनके साथ चला जाऊंगा, तुम जाओ। बाय बाय, टेक केयर। रुकना, अपना ही कोई भाई पी के गिर गया। अरे बेटा उठ जा, घर जाना है। अरे अंकल, तुझे ही बोल रहा हूँ, घर चलना चलना, खड़ी हो। अंकल हा? क्या हुआ, आज ज्यादा पी लिए क्या? अरे घर चलने को बोला तो ये यहाँ आकर बैठ गई। अरे तुझे अरे बोल रहा हूँ। अंकल घर कहाँ है आपका? बाजू की कॉलोनी। सेम कॉलोनी? आराम से उठ जाइए, उठ जाइए। मैं आपको छोड़ता हूँ, मैं अंकल के साथ जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। बस बस यही रुक। अंकल एक बात बोलूँ क्या? क्या? वो मेरा घर है। पर क्या तुझे दूसरी बात पता है? ये मेरा घर है। अच्छा, हम दोनों पड़ोसी। अच्छा, तो हम दोनों पड़ोसी है। सुन पड़ोसी, कल से मेरी बेटी घर पर नहीं है, तो हम दोनों साथ मिलके पूरी खाली कर दें क्या? अरे हम सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, पार्टनर भी है। पार्टनर है तो आज से हम लोग शुरू कर देते हैं ना। आजा। आज सही पार्टनर स्लो एंड। ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब तुम मेरी पड़ोसी हो? मुझे भी अभी पता चला तुम मेरे पड़ोसी हो। चलो जाओ यहाँ से। मुझे अभी पता चला? अच्छा, मेरे जाने पे तुम खुश हो जाओगी? हाँ। तुम्हारी खुशी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी तो इडियट। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे पैग स्ट्रॉन्ग बन गया है क्या? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ? ऑमलेट हो तो, स्कॉच ना हो तो चलेगा, लेकिन दारू और ऑमलेट ना हो तो नहीं चलता। पार्टनर, अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। जानकी, डबल ऑमलेट। अंकल, डबल एग। डबल एग चाहिए? डालती हूँ, डबल से भी ज्यादा। आ गया। खाकर मरो। बड़ा ऑमलेट बड़े लोगों के लिए, छोटा ऑमलेट छोटे लोगों के लिए। हेलो, एक्सक्यूज मी मिस अक्षरा, एम्बुलेंस को बुलाया क्या? क्यों? तुम्हारे डैडी कुछ मिनट्स के बाद। आहा, पागल कहीं का। Yes? मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए गेम घुमा दिया था। You mean this one? Yeah, this one. अरे वो आपने क्या? अरे मत कर, मैं भी चलने नहीं बैठा। अरे वो जान लगा दूंगा ना, क्या होने दूंगा? ये क्या, आप भी ना मुर्दा घर में शुरू हो गए? ये सब मर चुके हैं, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तुम इस मुर्दा घर में कैसी लग रही हो पता है? कैसी लग रही हूं? एकदम मेरी गुड़िया जैसी लग रही हो। सच में? डॉक्टर, जल्दी करो। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट होगा, उन्हें कुछ भी बोलकर यहाँ से रफा दफा कर दो, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। अरे चूहे की दवा खाई है, कोई जहर नहीं खाया है? पेट दबाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मर जाऊंगा। इसे तंग मत करो, ये मेरी है ना। पेट मत दबाओ, शराब बाहर आ जाएगी। अरे धीरे धीरे दबाओ वरना वो मर जाएगा। अक्की का फोन आया है। क्या हुआ, मेरे घर पर जो भी पिया था सब उगल दिया क्या? तुम्हारे घर जो पिया और 25,000 का बिल भी उगल दिया। अच्छा, और मेरे घर पर आकर मुझे ऑमलेट बनाने को बोलता है? हाँ, नालायक कहीं का। चूहे की दवा क्यों मिलाई तूने? चूहे की दवा तो मैंने नहीं मिलाई, लेकिन ये सब मैंने बस उसे मामूली सा केक देने के लिए किया। नहीं, नहीं मिलाया। हद हो गई यार, उस लड़के के लिए अपने घर के चूहे की दवाई क्यों वेस्ट करूंगी?
बेटी तुम बंगला नंबर 101 में रहती हो ना? हाँ अंकल। कौन सा महीना चल रहा है? 8 महीना। बेटा मैं एक बाप की तरह तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, सुनोगी क्या? हल्का सा वॉकिंग करते रहना चाहिए, टीवी सीरियल तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वो असली जिंदगी से दूर होते हैं, टेंशन बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। माँ बनने वाली हो तो अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सोचना। हेलो, आज मम्मी का बर्थडे है दीदी। अरे बापरे, मैं तो भूल ही गई थी। पता है ना, आज के दिन पापा बहुत खुश रहते हैं, और आज का दिन 1 साल के बाद ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पापा तुम्हें माफ कर देंगे, तुम जीजू को लेकर आ जाओ ना। मुझे नहीं लगता कि पिताजी हमें माफ करेंगे। दीदी पहले तुम घर तो आओ, फिर हम पापा को देख लेंगे। जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो कोई भी बाप माफ कर देता है। 3 साल वेट किया ना, बहुत हुआ, अब जल्दी आ जाओ। तू जो भी प्लान बनाएगी वो आसानी से सक्सेस हो जाएगा क्या? आ जा दीदी, आ जा। लगता है दीदी आ गई। गुड इवनिंग पार्टनर। ये मनोज कहाँ से आ गया? सॉरी पार्टनर, आज मैं नहीं पीने वाला, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है। अरे मैं उसके लिए नहीं आया अंकल, बस मेरी एक छोटी सी समस्या है। इसकी क्या समस्या है? पार्टनर बड़े लोग होते किस लिए हैं? समस्या का समाधान निकालने के लिए। वो क्या है कि मेरे दोस्त की एक बहन है, उसको घर से भागे 3 साल हो गए हैं, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो क्या उसके पिताजी को उसे माफ करना चाहिए? उसके जगह आप होते तो क्या करते? कभी माफ नहीं करूंगा। हे भगवान। क्यों माफ करना चाहिए बता? पहले घर से भाग जाना, घर को छोड़ देना, फिर प्रेग्नेंट हो जाना, फिर घर पर आए तो क्या माफ कर देंगे? किस लिए माफ करूं? फोन लगा, उसके बाप को फोन कर जल्दी। तो आप नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा, कभी नहीं करने वाला मैं। उसके घर जाके बोल सकता हूँ उसे माफ नहीं करूंगा। अरे कोई बात नहीं पार्टनर, मैं समझ गया। मेरी समस्या का समाधान मिल गया, आता हूँ फिर आता हूँ। दीदी को मना कर देती हूँ। कौन है? पिताजी। पिताजी कैसे हैं आप? अरे यहाँ पर पिताजी पिताजी जैसा कोई नहीं रहता है। मेरा नाम प्रमोद माथुर है, मैं एक रिटायर बैंक एम्प्लॉय हूँ। देखो मेरी एक ही बेटी है और वो बीटेक पढ़ रही है। लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए। सॉरी बेटा, सॉरी। सुनिए पिताजी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। एक मिनट, सुनिए पिताजी। देखो बेटा यहाँ पर पिताजी पिताजी जैसा कोई नहीं रहता है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो बीटेक पढ़ रही है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप गलत एड्रेस पर आए हैं। अगर दोबारा से इस गलत एड्रेस पर आए ना, तो मेरी बीवी के फोटो के बगल में मेरी फोटो नजर आएगी। मैं तुम लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम गलत एड्रेस पर आए हो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। दीदी दीदी रुको प्लीज। नहीं, जब हम पिताजी से दूर रहते थे तो लगता था एक ना एक दिन वो हमें माफ कर देंगे, लेकिन अब तो हम दोनों उनके पास आ गए हैं। मुझे लगता है वो माफ नहीं करेंगे, लेकिन आज मुझे पिताजी से मिलके बहुत अच्छा लगा। जानती है अब मैं शायद पिताजी से कभी भी मिल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी तुम्हारे जीजाजी के साथ। ऐसा मत बोलो। देखो दीदी, ऐसे टाइम पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए, एक बार फिर ट्राई करेंगे। आज मुझे माँ बहुत याद आ रही है। नागार्जुन, सुनाई दे रहा है ना? आज के टीवी सीरियल में छोटी बहन बड़ी बहन का मस्त ड्रामा चल रहा है, मजा आ गया, देखते रहना। हाँ 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 गुरुजी, आपने बोला था कि वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे कब? अब वो समय आ चुका है, उन्हें तुम बहुत जल्दी देखोगे। कौन लेकर आएगा उनको? ये पक्षी लेकर आएगा उनको? गजेंद्र को मोक्ष दिलाने में श्री विष्णु मूर्ति को कुल तक ले जाने वाला यही पक्षी तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आएगा। हेलो शांति, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे तो सर ने पूरा क्वेश्चन पेपर ही दे दिया। क्लास की जिस बुक में फ्रंट पेज पर ऋतिक रोशन की फोटो छपती है ना, उसमें है, लेकर आ जा, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेंगे, जल्दी से आ जा। तो ये बात है। तेरी कसम किसी को नहीं बताऊंगी, बताना।
अर्जुन मेरी बातें सुन रहा था और मैंने जो भी बोला वो उसे सच मान बैठा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर्स बदल दिए और अब सारे लड़के फेल हो जाएंगे। गुरुजी, आप भी लड़कियों के साइड में हो गए, ये तो गलत है ना? हाँ, क्वेश्चन पेपर। नागार्जुन, अपना पूरा बैच फेल हो जाएगा और मैं और तू पास हो जाएंगे, कॉलेज में तहलका मच जाएगा। तू तो हीरो नंबर वन है रे। और तू हीरो नंबर टू। एक्सक्यूज मी मिसेस लाइब्रेरियन, ये बुक चाहिए? क्यों, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, पास भी नहीं होना चाहिए। क्लास में फर्स्ट आना है मुझे, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट। पहले मेरी बात तो बाद बाद में, आप चुप रहिए। इट इज अ लाइब्रेरी, कीप साइलेंस। टू टू पीसेस। सॉरी अर्जुन, हम लोग पास हो जाएंगे। अबे बद्री को भी बुला लें क्या यार? क्या कहा? कल मैंने से क्वेश्चन पूछा तो बोलता कि पहले क्लास में जाके फिर से पढ़ाई कर, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। बेस्ट फ्रेंड बोले तो तुम लोग हो? वाह, पेपर लीक हो गया है, तुम चिट्ठियां बना रहे हो, वो मेरे लिए भी बना रहे हो, तुम लोग सुपर हो। अरे पागल, इसके ऊपर कोई लिखता है क्या? लगता है बहुत ज्यादा पढ़ के आए हैं ये लोग। यार, ओम से शुरू करना। ब्रदर, साईराम से शुरू करना। अरे, बिना क्वेश्चन पेपर के ही लिख रहे हो? जिनको सब कुछ आता है वो लिखना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर का भी इंतजार नहीं करते हैं। ये लो क्वेश्चन पेपर। मैं गारंटी पास हो जाऊंगा। पेपर लेकर आ गए? सबके पेपर नहीं मैडम, सिर्फ अकेले के। इतनी बड़ी तो टेस्ट बुक भी नहीं होती। हम मेहनती लड़के हैं मैम। पागल कहीं के। गाड़ी निकाल, चल जल्दी। भाई अगर हम इस सब्जेक्ट में फर्स्ट आ जाएंगे तो समझ लेना पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ जाएंगे। हम तीनों ही आएंगे यार। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार, यूनिवर्सिटी में तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। अर्जुन अब हो जाएगा फेल। भाई अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो फिर पार्टी कहाँ है? अरे इससे कैसे चलेगा, कुछ पार्टी शार्टी करते हैं ना। मेरे पास आइडिया है, कहीं घूमने चलते हैं। टूर पे चले क्या? सही है, कहीं तो जाना चाहिए। नेशनल पार्क, महाबलेश्वर। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, बड़े बड़े झरने होने चाहिए। महाबलेश्वर। हाँ, महाबलेश्वर। बेटा, हा? इस बार तो तू पास हो जा। बस पास? कॉलेज में टॉप आऊंगा। मम्मी पापा से बोलना 50,000 रुपए तैयार रखें बॉक्सिंग ग्लव्स के लिए। मम्मी मैं टूर पे जा रहा हूँ, मुझे टोमेटो ऑमलेट चाहिए। टोमेटो ऑमलेट खाएगा? भूसा खा ले बेटा, भूसा खा ले। भूसा तो जानवर लोग खाते हैं ना मम्मी। गुड गर्ल, हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आई हो ये हमारी तरफ से। थैंक यू।
जल्दी बताओ, बता दो, बता दो, बताओ, बताओ, टॉप किया ना मैंने, वो अकेले, अरे इसे वापस दे दो, हैंडराइटिंग में कोई गड़बड़ी होगी, हम तीनों में से कोई एक सेकंड आया ही होगा। अच्छा बता सकती हूँ हम तीनों में से कौन सेकंड आया है? सेकंड राजेश आया है। मतलब हम तीनों फर्स्ट आए हैं? अरे गधो तुम लोग फेल हो गए हो। आप कॉपी पेपर देख के चेक कर दिए या नाम देख के चेक कर दिए? फेल कर दिया हमें, कितनी मेहनत की थी हमने। तुमने मेहनत से लिखे थे तभी 75 में से 70 दिए। 70 दिए? तो फिर हम फेल कैसे हो गए? फेल कैसे हो सकते? व्हाट इज दिस, पागल समझाए क्या हमें? दिस इज नॉट अ बग। नागार्जुन तुम लोगों ने जूनियर केजी के पेपर दिए। जूनियर केजी के? ये कब सुधरेगा? यार बड़ी मेहनत से लिखा था। अबे उधर नहीं, इधर देख। अगर हम पेपर देकर लिखते तो हम लोगों से इतनी बड़ी गलती नहीं होती। अब मेरा बाप मुझे बहुत कूटेगा यार। अरे तू उसकी टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो हम लोग जुगाड़ कर ही लेंगे यार। अच्छा? शांति, क्वेश्चन पेपर्स लीक ना हो जाए इसलिए मैंने उन पेपर्स को ऋतिक रोशन नहीं रणवीर कपूर की बुक में रख दिए थे। इस बंटरिया को तुम मैं जान से मार दूंगा। रुकना रुकना, छोड़ ना, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे सुनो, मेहमान आ गए। हट ना। अरे आजा बेटा, टमाटर की सब्जी, आलू फ्राई, सब कुछ रेडी है। तू अपना रिजल्ट बता और पापा के पास से पैसे ले ले। फिर लटक गया ना? क्या है कि 70 में से 75 आए थे लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो गया। मतलब तूने बच्चों वाले पेपर दे दिए? अरे वो बात नहीं है पापा। चुप रह, बॉक्सिंग को अपना पैशन बोलता है। पैशन के लिए जान लगानी पड़ती है। एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाता है तू, पैशन बोलता है, पैशन। ना काम कर ना काज कर। बहुत बड़े बॉक्सर है ये, देख लेना बॉक्सिंग के चक्कर में ये एक दिन अपना हाथ पैर तोड़वाएंगे। जाने दे बेटा, अगली बार पास हो जाना। नहीं चाहिए मुझे। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। जीजू यूएस जा रहे हैं, दीदी यहाँ अकेली रहेंगी। 8वां महीना चल रहा है। नहीं आ रहा यार, तुझे पता है ना 31 को मैच है मेरा, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए मुझे। मैं आ रही हूँ, लगता है वहाँ मुझे कोई बुला रहा है। मैं आ रहा हूँ, मुझे वहाँ कोई बुला रहा है। पहाड़ दिख रहे हैं ना, यही है महाबलेश्वर। वो दोनों आ गए हैं सिद्धार्थ। कहाँ है, किधर है, किधर है गुरुजी? वहाँ तो बहुत लोग हैं, उनमें से वो दोनों कौन है गुरुजी? समय तुम्हें सब कुछ बता देगा बेटा। इसका मतलब आप नहीं बताएंगे? ओ फैंसी ड्रेस वाले भाई साहब, आज बहुत ही महान पवित्र दिन है। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, तुम जो भी मन्नत मांगोगे जरूर पूरी होगी। वहाँ बॉटल मिलेगी क्या? अपने गुरुजी को बोलूंगा। अच्छा उनके पास स्टॉक है क्या? ये गोविंदा, अरे ब्रांड तो बताया नहीं इसने। वहाँ देख वो मोटू तुझे किस तरह से घूर रहा है। एक बार मुझे मिल जाए ना उसका सिर फोड़ दूंगी। यारो लाइफ में पढ़ना लिखना डिग्रियां लेना जॉब ढूंढना यही सब नहीं होता है यार। हमने किसको पटाया नहीं पटाया ये इम्पोर्टेंट है।
अबे छोड़ ना यार, बहुत पछताएगा। अरे चुप, ये काम कमजोर लोगों का नहीं है, ये काम दिलदार लोगों का है। अभी दिखाता हूँ। अरे अरे अबे क्या कर रहा है? बात ना माने तू बाबा, अच्छा अरे लव का चक्कर छोड़ बाबा, ये इश्क नहीं आसारे बाबा, अरे धोखा है इसमें तो बाबा, हाँ जो भी पड़ा है चक्कर में लव के पछताया है रोया वो बाबा मेरे बाबा, सारे अरे बाबा मेरे बाबा, बाबा बाबा मेरे बाबा, सारे अरे बाबा मेरे बाबा बाबा। चलो अरे दिल से किसी के न खेलो, खेलो प्यार का दर्द न झेलो, खेलो पागल है नादा है दिल को, दिल को बैचलर ही रहने दे दिल को, दिल को दिल तो है बावरा, दिल है आवारा, दिल ना ये तुम देना ब्रो आवारा, बाबा मेरे बाबा सारे अरे बाबा मेरे बाबा, बाबा बाबा मेरे बाबा सारे अरे बाबा मेरे बाबा, बाबा ओहो ओहो ओहो। देखना उन्हें एक न एक दिन इस घेरे के अंदर आकर खड़ा होना ही पड़ेगा। जो तू सोच नहीं सकता वो होने वाला है। ये कहाँ गए हम लोग? कहाँ? कोई है क्या? महालक्ष्मी? कहाँ चले गए सब? महालक्ष्मी? हे, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे यहाँ लेकर आया। ए, तू इतनी भी खूबसूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रख। चलना जा रहा हूँ अब यहाँ से। हाँ हाँ जाओ जाओ, जिस तरह मेरी बहन की लाइफ बर्बाद की, महालक्ष्मी की भी लाइफ बर्बाद कर देना। जाओ जाओ। हेलो, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं हूँ मैं। अगर वैसा होता तो तेरे बाप को उस दिन रोड से उठा के तेरे घर नहीं छोड़ता मैं। समझ में आया ना तुझे? तुम मेरे पापा की छोड़ो, जरा एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोचो। तुम बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे ये सोचकर तुम्हारी मम्मी रोज व्रत और पूजा कर रही है। और तुम? मेरी मम्मी को कम से कम उम्मीद तो है कि मैं बॉक्सर बन जाऊंगा। तेरे बाप को तो तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है, वहाँ पैक पे पैक पी रहा है वो जाके। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सारे एग्जाम्स में पास होकर अपनी मम्मी को खुश कर देती। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो कब का तेरी बहन को तेरे बाप से मिलवा देता। तुम्हारे बस की बात नहीं है। की जिंदगियां बर्बाद हो गई। तुम
तुम मेरे जैसे कैसे हो पी? तुम मेरे जैसे बन गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ और उसकी आत्मा मुझ में समा गई है। हे भगवान, मैं तुझसे नफरत करता हूँ लेकिन तेरी ही आत्मा मेरी बॉडी में आ गई। अब क्या होगा? गुरुजी, वो दोनों आ चुके हैं। ए अक्की, वहां देखो कोई स्वामी जी आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। स्वामी जी दीर्घायुष्मान। स्वामी जी हम बहुत परेशान हैं। स्वामी जी जानता हा? क्या जानते हैं? बताइए ना। अरे स्वामी जी, बताइए ना प्लीज। आप हमारी मदद कीजिए ना। रात में इस तरह नहीं लड़ना चाहिए तुम्हें। हमारी आत्माएं बदल गई स्वामी जी। इसमें भगवान की ही मर्जी है। तुम दोनों एक दूसरे के स्थान पर रहना चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। देखिए स्वामी जी, मुझे किसी और का शरीर मिले चलेगा, लेकिन मुझे इसका घटिया शरीर नहीं चाहिए। चुप करो स्वामी जी, इसकी बॉडी में मैं नहीं रह सकता। मुझे अपनी बॉडी में जाना है, प्लीज बदल दीजिए ना। बदलता अभी नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। आने वाली शरद पूर्णिमा को जब सारे ग्रह एक होंगे उत्तरा फाल्गुन के नक्षत्र में, ठीक 30 दिन के बाद शाम को 6 बजे तुम दोनों को यहाँ आना होगा। तभी मैं तुम दोनों को पहले जैसा कर पाऊंगा। सुनो, तुम्हें नींद में बात करने की आदत तो नहीं है ना? नहीं है, क्यों? वो क्या है कि स्वामी जी ने कहा था कि ये बात किसी को पता ना चले। अगर तुमने नींद में किसी को बोल दिया तो हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। ए, तुम्हारी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ही मेरी बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कोई आदत है ना तो फिर मैं सोऊंगा ही नहीं। प्लीज तुम हैंडल कर लेना। हाँ हाँ हा, मैं देख लूंगा। भाई टाइम हो रहा है, चलो। हाँ, आ रहा हूँ। आखिर में इसने मुझे जवाब दे ही दिया। हे भगवान, क्या कर रहा है तू? मैं अर्जुन, तुम अक्षरा हो। हाँ हाँ, समझ गए। अक्की, आ रहा हूँ। यस। सिर्फ मुझे मत बोलो, तुम खुद भी याद रखो। ओके ओके। हाँ, मैं अर्जुन, तुम अक्षरा। अक्षरा। अरे अक्की, लड़कों की तरफ क्यों जा रही है? यहाँ बैठना। भाई अक्की ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मजा आ गया। अरे हटना यार, दूर है मुझसे। अच्छा है ना? ड्राइवर गाड़ी चला। अब क्या करें? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 30 दिन है। क्या करें? अरे क्या कर रहे हैं? मेरा बैग है। इतने लोग क्यों हैं? बेटा ट्रिप कैसा रहा? मुझे लगता है अर्जुन के पापा होंगे। अब पायला गुप्ता जी, ये क्या कर रहे हैं? बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद के नहीं दिया तो तूने बाप ही बदल दिया अपना। तो ये पापा बातें मत सुनिए, अब देखो बकवास करता रहता है। माँ आपकी हेल्प करो। क्या बोला तू? ये क्या आंटी, इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? नहीं मैं कमरे में जा रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया ये? मैं सपना तो नहीं देख रही है भोलेनाथ, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। अरे सुनिए जी, सुना आपने? सुना सुना। आज माँ बोला, जानकी तुम्हारे होते हुए तुम्हारे इस घर में क्या चल रहा है? जिसे 6 बजे आना था है? वो 8 बजे आ रही है। जानकी, इधर कोई जानकी नहीं है पापा। क्या कहा? जानकी नहीं? जानकी, इसने मुझे पापा कहकर बुलाया। ये क्या, ये पापा को पापा नहीं बोलती क्या? छोड़ो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हुँ? अरे बाप रे, इतना गंदा फेस। छी, इस कमरे में बॉक्सिंग ग्लव्स क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई कपड़े सुखाता है क्या? छी छी, यक्स। पता नहीं वो इस वक्त वहां क्या कर रहा होगा। ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। स्कॉच। जानकी, हम दोनों ने फर्स्ट टाइम अलंकार थिएटर में पिक्चर देखी थी, तुम्हें याद है ना? रोमांटिक। जानकी,
अरे अगर मैं नहीं पीऊंगा तो खुश हो जाएगी ना, तब तो पीना ही पड़ेगा मुझे, तू बस देखती जा। वो पहली मुलाकात आज भी याद है, साथ चले थे हम दोनों, ताता थैया ताता थैया, साथ चले थे हम दोनों, ओ यारा हो। जानकी तुमसे बात करते समय मैंने पैग ही नहीं बनाया, देखो खाली है गिलास। डालो डालो डालो। राउंड टू। ये क्या हो रहा है? और थिएटर से निकलने के बाद ही हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, तुम्हें याद है? तुम गार्डन में कैसे मटक मटक के चल रही थी। जानकी कब पैग बनाया, कब खत्म किया, पता ही नहीं चला मैं कब पी गया। ये तो शुरुआत है अभी, बस तू देखती जा, फुल टल्ली। इस तरह रहना मेरी सजनिया सजनिया, जी न सकूं तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना, जी न सकूं। जानकी मैंने तुमसे बात करते करते क्या पूरी की पूरी बॉटल खाली कर दी, ये सब कैसे हो गया? अरे बाप रे, बहुत पीली सो जाता हूँ, छोड़ूंगी नहीं। सैंपल है बेबी, आगे देखती जा। क्या करूं? ये सर इतना क्यों दर्द हो रहा है अर्जुन? पापा आरती लीजिए, आज सावन का पहला सोमवार है। माँ आरती लीजिए ना, मैंने खाना बना दिया है, कॉलेज जाके आता हूँ, ये लीजिए। अजी सुनो, ये मेरा ही बेटा है ना। मैं चाहता था कि ये बदले, लेकिन इस तरह बदलेगा ये नहीं चाहता था। मेरे पसंद के कपड़े पहनना, पूजा पाठ करना, ये सब ओवर एक्टिंग करने के लिए मना करो उसे, बस बोलो कि पास होकर दिखाए तभी खरीदूंगा। भगवान अभी है, भगवान अभी मुझे है। थोड़ा डाउट है, ऐसे लंबे लंबे ड्रेसेस पहनेगी तो फिर ये हीरोइन कैसे बनेगी? ब्रदर ब्रदर कम फास्ट ब्रदर। ए सो क्यूट ना नागार्जुन, इतना क्यूट क्यों बनाया भगवान ने? ए? नागार्जुन, I want a long drive. Sure, why not? He's cute, he's naughty, he's smarty, he's naughty, he's Nagarjuna. Please, hey Bhagwan. बस क्यों नहीं रुक रही है? Stop, stop, please. Sorry. Hey. क्या भाई, हाथ दे रहा हूँ तो बस क्यों नहीं रुकी? ए, मूर्ख है क्या? हाथ दिखाएगा तो क्या हम बस रोक देंगे? चुपचाप बैठ जा। साइड साइड। मिस्टर, ये लेडीज सीट है। हाँ जानता हूँ। थोड़े मैनर्स तो सीखो, ये लेडीज सीट है। मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठी बैठी सुनो, बैठी सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। तुम टिकट दो, खाली नहीं है सर। क्या कर रहे हैं आप? अरे टिकट क्यों नहीं दिखाते हो? अभी लिया कहाँ है? लिबर्टी गार्डन का टिकट दीजिए। ए पीछे हटो, पीछे हटो, अरे पीछे हटो ना, चलो पीछे हटो। लड़के कितना तंग करते हैं। अरे बाप रे, कितनी गंदी स्मेल मार रहे थे, जैसे महीनों से नहाए नहीं है। Oh,
ये मैं क्या देख रहा हूँ? अक्की इस मोटू के गाड़ी पर बैठकर आई है। ये सीन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। नागार्जुन, थैंक यू। लड़कियाँ तो लड़कों पर मरती ही हैं, लेकिन इस पर कैसे मर गई? यहाँ देख, देख तो रहा हूँ। अरे बद्री, कंपटीशन इस तरह होता है मेरे यार। अभी तू देखता जा, आपकी और मैं ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जलता है। अरे बाप रे, क्या कर रहा है ये? ढकले से ढकले। ए, ये क्या है? पप्पू की तरह तैयार होकर आया? क्यों, ऐसे ही तो होता हूँ मैं। और ये क्या है? चिकन बर्गर। हे भगवान, माफ कर देना, आज सावन का सोमवार है, क्यों खा रहा है तू इसे? बाबू, एक चिकन बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज। चीज? चीज खाएगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, मैं तेरे सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहा हूँ? तेरी बॉडी मेरे पास है और मेरी बॉडी तेरे पास है। हे अर्जुन, व्हाट आर यू डूइंग? लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती करनी चाहिए। यस, रेड कलर वाले व्हाइट हो जाए, व्हाइट कलर वाले रेड हो जाए। समा गई, अब आगे क्या होने वाला है? सिद्धार्थ, रामायण हो चाहे महाभारत क्यों ना हो, पहले पड़ाव को पार करना ही होता है, और जब मनुष्य आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तो भगवान साथ देते हैं। गुरुजी की गोल गोल बातें मेरी समझ में क्यों नहीं आती हैं? क्या अर्जुन अकी है? अरे बाप रे, पकड़ी गई। अब कैसे भी मैनेज करना होगा। ये मोटा ऐसे क्यों देख रहा है? आजकल तू बदल गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बदल गया है तू, मुझे मत समझा। अरे नहीं, अर्जुन के नाम से बुलाया तो तूने सुना नहीं? अर्जुन बोलता हूँ तो पलटता नहीं है, अक्की बोलता हूँ तो पलट कर जवाब देता है। तू जानता है ना मैं अक्की से कितना प्यार करता हूँ। भाई तू पूरी तरह से बदल गया है। पिताजी ने पास होने तक बात करने से मना किया है।
देख देख कितना बदल गया है वो। हमारे साथ दारू पीता था, सिगरेट पीता था, अब देख सीधा जाकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। मेरे पापा बोले अगर तू पास नहीं हुआ तो तुझे घर से निकाल दूंगा। एटीएम? एटीएम कौन है? हेलो अर्जुन, मैं हूँ तुम्हारी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी? महालक्ष्मी का नाम एटीएम रखा है इसने। हाँ महालक्ष्मी बोलो। मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ सकते हो? इस वक्त मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ? क्यों नहीं, तुम आओगे ना तो हम दोनों मिलकर कंबाइन स्टडी करेंगे। हाँ। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रात को ना किसी लड़के को बुलाते हैं और ना ही किसी के घर जाते हैं। तुम अपने घर पे पढ़ाई करो, मैं अपने घर पे करता हूँ। आ जाओ ना। ए भगवान मुझे बचा लो। कह दिया ना नहीं आऊंगा। ठीक है मैं अक्की बेबी के घर पर जाती हूँ। अक्की बेबी? अक्षरा के घर? किसका फोन है? महालक्ष्मी? महालक्ष्मी? हाँ अक्की बेबी, क्या कर रही हो? इस वक्त मैं क्या करूँगी, वैसे तुमने अभी कैसे कॉल किया? वो क्या है ना, मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मेरे घर आ रही हो? हाँ, तुम्हारे घर पर सो सकती हूँ ना? मेरे साथ सोएगी? मेरे ही बेड पर? हाँ। अच्छा मेरी जान। आज तो पूरी रात दोनों मिलके भांगड़ा करेंगे। तेरी नाइटी बहुत अच्छी है। नाइट है ना इसलिए मैंने नाइटी पहनी है। तेरा घर भी बहुत अच्छा है। तुम मेरे लिए नहीं आई है ना? बदमाश, अर्जुन के लिए आई है ना यहाँ? अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी तो तुम फिर से डांटोगी। ये सारी बातें छोड़, तुझे अर्जुन बहुत पसंद है ना? तो प्रपोज क्यों नहीं करती है? क्या हुआ है अक्की बेबी, अर्जुन के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ? हाँ? वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है ना, बाकी क्लास के लड़के या फिर वो बड़बड़ा बद्री जैसा, और वो मोटू नागार्जुन जैसा नहीं है ना, और मैं उसकी दुश्मन होकर बोल रही हूँ ना कि वो बहुत अच्छा है। तो क्या सोचा है कैसे प्रपोज करोगी? अगर वो प्रपोज करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ए तुम लड़की हो तो क्या तुम प्रपोज नहीं कर सकती? तुझे क्या हुआ है? वो क्या है ना, हम लड़कियां है ना, तो अगर हम प्रपोज करेंगे तो वो और खुश हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। प्रपोज करेगी तब क्या देगी उसे? बस एक चॉकलेट और एक ग्रीटिंग। जो उसे पसंद है वो दे, जो तुझे पसंद है वो नहीं। तू उसकी पसंद का ख्याल रखेगी तो उसे तुझसे प्यार होगा। जैसे स्कॉच बॉटल या फिर बॉक्सिंग ग्लव्स, अब ये सब देगी तो फिर देखना 100% तुझे हाँ बोलेगा। ओके ओके चलना, अब सो जाते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, रात को तूने क्या किया? अब मैं क्या बताऊँ, रात में मेरी क्या हालत थी। जैसे गन के बिना फाइटर, पेन के बिना राइटर, अंगूठे के बिना एकलव्य जैसी हालत हो गई थी मेरी। बच गई। लेकिन कल रात मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई। हाँ टटा, एटीएम जब प्रपोज करेगी तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, समझा? तुम्हें प्रपोज करेगी ना, तुम एक्सेप्ट करना। मेरी बॉडी देखकर प्रपोज करेगी ना अकी, क्योंकि तुम मेरे अंदर हो, उसे एक्सेप्ट कर लेना। अगर नहीं किया तो? नहीं किया तो जरा वहाँ देखना। हाँ? ओ नागार्जुन, I love you! अरे बाप रे, ऐसा मत करना प्लीज। तो आप क्या करोगे बोलो? हाँ? कर लूंगी एक्सेप्ट, कर लूंगी। Yes! महालक्ष्मी, माई डियर महालक्ष्मी, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ बैठी हो, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? हाय। अरे तुम आ गए। अच्छा मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। I love। यहाँ था तो। सुनो, यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, घर चलते हैं। किस लिए? पिछले हफ्ते राधा मेरे घर आई थी, उसने तो कुछ नहीं कहा। चुपचाप चलो।
राधा आई थी? सिर्फ राधा ही नहीं, गीता भी आई थी। बहुत मजा आया, चलो। क्या कहा, गीता भी आई थी? मुझे तुम पर शक हो रहा है। इसमें शक वाली क्या बात है, मैं तो लाइब्रेरी में भी करता रहता हूँ। रमैया मैम भी? वो क्या है कि एक रात मैं कॉलेज में रुक गया था ना, तो रमैया मैडम भी। रमैया तो मेरा कोई लिंक ही नहीं है। एटीएम से ब्रेकअप क्यों किया तुमने? अरे यार, मैंने अपने फ्रेंड को बचा लिया तुमसे। एटीएम को ब्लॉक कैसे किया? 1000 मांगता था 10,000 देती थी, 20 मांगता था तो 50 देती थी। नए नए बॉक्सिंग ग्लव्स भी लाकर दिए थे, अब ये सब मुझे कौन लाकर देगा बताओ? गर्लफ्रेंड के जाने का डर तुझे बिल्कुल नहीं है ना? नहीं है, टाइम पास। तू लड़कियों को इस्तेमाल करता है। देखो मैं क्या करती हूँ, तुमने मुझसे मेरा एटीएम छीना है ना, अब मेरी बारी है। वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तू क्या कर लेगा? मेरी बॉडी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी बॉडी भी मेरे पास है। मतलब? अभी बताता हूँ। चश्मे वाला नहीं, ये भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, नागार्जुन यही सही है। अरे तुम पार्टनर, करेक्ट टाइम पर घर आयो। मेरी बेटी घर पर नहीं है, चलो बैठकर पीते हैं। अरे तो आपकी बेटी गई कहाँ? वो किसी के साथ कंबाइंड स्टडी करने गई है ना। कंबाइंड स्टडी? इससे पहले मुझे कभी भेजा था क्या? अरे कंबाइंड स्टडी के लिए तुझे तेरा बाप भेजेगा, मैं क्यों भेजूंगा? अरे बाप रे, किससे बात कर रहा हूँ मैं? जानकी बिल्कुल सोना है, अपनी बेटी की जोड़ी इसके साथ बहुत अच्छी जमेगी। पढ़ाई के नाम पर पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। देखा ना? मैंने नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने नहीं देखा है। ए, तो क्यों नहीं देखा? देखो मैं कैसा हूँ, तुम कैसी हो, और इस रिसोर्ट के लोगों ने क्या कमाल का डेकोरेशन किया है, और साथ में ब्यूटीफुल लड़की। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। नागार्जुन! अरे बाप रे! नागार्जुन! ऐसा मत बोलो, मुझे कुछ कुछ होता है। मैंने पार्टी में तुम्हें मारा था ना, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मैं यहाँ लेकर आई। अरे बाप रे, तुम सिगरेट भी पीती हो क्या? हमेशा नहीं पीती, सिर्फ जब मैं दारू पीती हूँ ना तब पीती हूँ। मतलब तो तुम दारू भी पीती हो? हमेशा नहीं, जब लड़कों के साथ रिसोर्ट जाती हूँ ना तब हाफ गटक जाती हूँ। बॉयज के साथ रिसोर्ट आती हो? एक बात बताऊं क्या? पहले ना एक्टिंग कर रही थी, ये ओरिजिनल है। ओह। एक और सीक्रेट बताऊं क्या? कॉलेज में एक से एक डार्लिंग है, क्या कहूँ? डार्लिंग? ओह नो। अपना कॉलेज है ना, उसके पास में जो दूसरा कॉलेज है उसका भी एक लड़का है। क्या? कृष्णा कॉलेज है ना? कृष्णा कॉलेज के एक ही प्रोफेसर के साथ भी। हे भगवान, एक के साथ भी? ए, ये बातें अर्जुन को बताएगा ना? अर्जुन को हमारे बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, मैं अर्जुन को नहीं बताऊंगा। तू ही अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है। नागार्जुन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरा फोन आ रहा है। अरे एक मिनट रुको ना, फोन आ रहा है। कहाँ जा रहा है नागार्जुन? नागार्जुन! हेलो। हेलो, कहाँ है तू? तेरी सांस क्यों फूल रही है? मैं तो स्वर्ग लोक में कबड्डी खेलने वाला हूँ भाई। अर्जुन है क्या? तुम्हारे पास जो है वो अर्जुन है, और इधर जो है वो अक्की है। हेलो हेलो, अर्जुन अर्जुन मेरी बात सुनो प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। आपने जिसको कॉल किया है वो सुबह तक फुल बिजी रहेगा। ओह माय गॉड, आज सैटरडे है। स्वामी जी ने जैसा कहा था, आज 30 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो कहाँ चली गई? वो तो अपने घर पे भी नहीं है। कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। अजी, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? अजी!
अरे तो क्या हुआ, कल रात तुमने जो कुछ भी किया उससे तो मर जाना ही बेहतर है। अरे तुझे पता भी है कल रात क्या हुआ? कल कुछ भी नहीं हुआ। अखी कुछ करते हैं ना, क्या करना है? अखी प्लीज अखी, लेट्स मेक लव प्लीज। नो 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 भैया। भैया क्या हुआ भैया? ये क्या भैया, क्या भैया के साथ बाइक पर नहीं जा सकती मैं? टूट गया। अपने भाई के साथ दारू नहीं पी सकती मैं? सकते हैं। भाई के साथ रिसॉर्ट नहीं आ सकती क्या भैया? मुझे क्या पता? बुरा लगा क्या भैया? अरे इतनी बार तो मेरी सगी बहन ने मुझे भैया भैया नहीं बुलाया होगा। अच्छा ठीक है भैया, चलो ना दारू पीते हैं। 15,000 रुपया दिया है, बर्बाद होने से अच्छा है कि कुछ खा पी लेते हैं। हाँ चलो। कुछ नहीं हुआ? ए, तू जितना समझती उतना गिरा हुआ नहीं हूँ। सच में? मेरी कसम। अरे तुमने तो मेरी ही कसम खाई है। अरे मेरी कसम, अब चलो। हाँ जल्दी जल्दी चलो। चल रहा हूँ ना। हे भगवान, आज हम दोनों को अपनी अपनी आत्माएं मिल जाएंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। सिद्धार्थ जी, आज चैत्र मास है, शरद पूर्णिमा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, आकाश पूरी तरह से साफ है, सूरज दिखाई दे रहा है। गुरु जी कहाँ हैं? कहिए ना उनसे हमें बदल दे, बुलाइए बुलाइए ना। मेरे गुरु जी तो अब देवलोक पहुँच गए हैं। क्या वो मर गए? कहानी में नया ट्विस्ट, तो फिर अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, ये बदल देंगे। हाँ। इन्हें बदलना आता है। हाँ। ये हमें बदल दिया, बदलिए ना प्लीज बदलिए। कैसे बदल दूं मैं, गुरु जी की तरह मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मैं तो उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ। अरे कुछ तो कीजिए ना आप। मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा गुरु जी वहाँ कुछ पढ़ रहे थे बैठकर। देखो ना कुछ होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रात में सारा हंगामा मैंने किया था ना। शांत हो जाओ। कहानी समाप्त है ऐसा इसमें लिखा है। मतलब अब जिंदगी भर हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? गुरुजी ने कुछ बताया तो होगा। गुरुजी ने आपके पिछले जन्म के बारे में बताया तो था, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं बताया। हाँ? हमारे पिछले जन्म के बारे में गुरुजी ने क्या बताया तो बताइए ना। सुना, पिछले जन्म में तुम्हारी वजह से मैं मरी थी। तुम्हारी वजह से मैं मर गया था। आप जानते हैं ना, पिछले जन्म में हम प्यार नहीं कर पाए और इस जन्म में तो प्यार कर ही नहीं सकते हैं। हमारा मिलना असंभव है। हाँ, प्लीज प्लीज कुछ करके हमें बदल दीजिए। कोई उपाय बताइए ना। प्लीज। गुरु जी ने जो मुझे मंत्र बताए हैं उन मंत्रों से मैं पूजा करूंगा। शरद पूर्णिमा से पहले ये पूजा नहीं हो सकती। गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ प्रश्न होते हैं वहीं पर उसका समाधान भी छुपा होता है। मेरे गुरु जी ऐसा ही कहते थे। मतलब प्यार करते हो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना नहीं मतलब होगा। मुझे तो प्यार करना पड़ेगा। हो ऐसा कोई मंत्र पढ़िए। मंत्र शादी कराने के होते हैं, प्यार कराने के नहीं। हाँ? मैं तुझ जैसे लड़के से प्यार करूं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होगा ये। अच्छा सुनो। हाँ? हमारा यहीं पर झगड़ा हुआ था ना। हाँ? तभी हमारी बॉडी बदली थी। हम यहीं प्यार करेंगे तो बॉडी फिर बदल सकती है। चलो प्यार करो। प्यार करो। मैं प्यार क्यों करूं, तुम करो। हाँ तो ठीक है ना, प्यार करते हैं। ठीक है चलो। प्यार करना है। पता है तुम कितने अच्छे लड़के हो, तुम्हारी बॉडी बॉक्सिंग सब कुछ जबरदस्त है। हाँ, जब तुम साड़ी पहनती हो, मेकअप करती हो, कसम से कह रहा हूँ तुम एकदम हीरोइन लगती हो। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। सुनो, तुम्हारे सामने जो ये बॉडी खड़ी है इसकी तारीफ नहीं करनी है, अंदर जो है उसकी करनी है। ओ, हाँ, उस दिन जब कॉलेज में तुम बॉक्सिंग लड़ रहे थे ना, कमाल के लग रहे थे, सच कह रही हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। और जब ये पता चला कि तुम मेरे बगल वाले घर में रहते हो, तब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। अरे तो और प्यार दिखाओ, जल्दी करो जल्दी। क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। शादी कर लेते हैं। शादी करना है? तिरुपति चल के करते हैं। नहीं शिरडी में। तिरुपति कह दिया तो तिरुपति में ही करेंगे, समझे ना। हाँ ठीक है। और हम उसमें रहेंगे, मतलब घर में रहेंगे। और हाँ, शादी के बाद हमारे दो बच्चे होंगे, गीता और सीता। सिर्फ लड़कियां ही क्यों होंगी, लड़के भी तो होंगे और वो भी जुड़वा लड़के होंगे। एक का नाम होगा राम और दूसरे का नाम होगा श्याम। नहीं, गीता और सीता। नहीं, मेरे बच्चों का नाम राम और श्याम ही होगा। और सीता। राम और श्याम ही होगा। हम कितनी भी कोशिश करें हमसे प्यार नहीं होगा। ऐसा करते हैं, कल सुबह 9 बजे से प्यार करना शुरू करते हैं। ठीक है चलो। ओके। तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मैंने एक फ्रेंड को इधर बुलाया है, हमारे प्यार में हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारे बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम ही बात करना।
ठीक है, उसे आने तो दो, मैं बात कर लूंगा। कहाँ है वो? वो देखो। हाँ? ऐसे उठाकर क्यों ले जा रहे हो? फैंस। फैंस मतलब? मेरे दोस्त हैं ये। बहुत हो गया, नीचे उतारो। भैया भैया मेरी जान। के बात मत कर, दूर से बात नहीं कर सकता क्या? मुझे लगता है बदल गया है, पूरी तरह बदल गया है तू। यार तकलीफ में हूँ मैं अभी। हाँ जब फ्रेंड तकलीफ में रहते हैं तभी याद करते हैं। वैसे क्या तकलीफ है तेरी? अच्छा सुन, वो लड़की देख रहा है ना? देखा, बहुत मस्त दिखती है। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बहन की तरह लगती है ये। मुझे इससे प्यार करना है। ऐसी बात है, तू टेंशन मत ले, सब देख लूंगा मैं। अरे सुन तो सही। लूंगा यार। अरे एक मिनट रुकना। देखो मेरा दोस्त जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, अंदर से बहुत अच्छा है। सुनो मुझे भी उससे प्यार करना है। अरे भाई ये तो तुझे पसंद करती है। ए, मैंने कब कहा उसे पसंद करती हूँ, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। इस लड़की से मुझे नफरत है। यस, जो बोला इसने सही है, हम एक दूसरे को देखते हैं तो गुस्सा आता है, हमें एक दूसरे से प्यार करना है। ए, जबरदस्ती का प्यार नहीं होता है। तू तो ऐसे बोल रहा है कि लड़की को बिना टच किए ही तुझे जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे। तुझसे जितना पूछा है सिर्फ उतना ही बता, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, तू सिर्फ तरीका बता। कैसे? वहाँ देखो, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इस पार्क में ही मिल जाएगा। इस पार्क के अंदर तुम जैसे लोगों की जोड़ियाँ फलती फूलती रहती है, तुम खुद देख लो। हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। देखना चाहती हो? इधर आओ बेटा। अरे बेटा। अरे रख इसे, मैं क्या पुलिस वालों के पैसे दे रहा? मुझे क्या, मीडिया वाले हैं? इस मंदिर में इतने सारे लोग आए। ये मंदिर नहीं है, जो करना है कर लो, तुम्हें क्या चाहिए ढूंढ लो। सारे लोग तो भागे लेकिन अभी भी एक बंदा इस झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ है। मास्टर। अरे क्या हुआ? मास्टर आप अंदर क्या कर रहे थे? प्यार कर रहा हूँ। प्यार कर रहे थे? मुझे भी बताइए ना, प्यार कैसे करते हैं? अरे चीची, प्यार ऐसे होता है क्या? अरे प्यार तो ऐसे ही करते हैं ना, इस तरह से। हाँ। देखो मास्टर, इनको तुम्हारा प्यार समझ में नहीं आया, तुम लगे रहो लगे रहो। थैंक यू। दूसरी जगह है क्या? हाँ, अब यहाँ नहीं, दूसरे पार्क में चलते हैं, ठीक है? वो क्या है ना, फर्स्ट आईपॉड दिया, फिर बाद में आईपैड दिया, गुस्सा आने के बाद आईफोन दिया, रिसेंटली आई10 देकर आई लव यू बोला। इतना सब लेने के बाद तुमने आई लव यू नहीं बोला? तुम्हारा नाम ऐश्वर्या है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। तू आईमैक्स में पिक्चर देखती है ना, देखे बिना बाहर नहीं जाती है। तू बोलना क्या चाहता है? तू बहुत बड़े बालों में से। यू? यू नहीं आई। एक लड़की हाथ लगी थी वो भी भगा दी। खामखा बिना बात के पंगा ले लिया मैंने। शे, क्या करें अब? पता चल गया मुझे। हाँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ए, मुझे पता चल गया कैसे प्यार करना है। पता चल गया तुम्हें? हाँ, बताओ ना। जितने लवर्स होते हैं ना, वो सब किस करते हैं। उससे क्या होगा? किस करेंगे तो प्यार हो जाएगा ना। उसके बाद? प्यार हो जाएगा तो हम बदल जाएंगे। बदल जाएंगे? मतलब हमें एक दूसरे को किस करना होगा? और कोई ऑप्शन है क्या? ये लो। करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी तुम्हें नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं बदले। ये सब तुमने मुझे किस करने के लिए किया ना? तुम्हारे किस पे भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। ए, तुम्हें किस करना मतलब मैं अपने आप को किस कर रहा हूँ, अपने आप को किस करने में क्या फीलिंग आएगी मुझे? शे, इसका मतलब अब हम कभी नहीं बदलेंगे। दीदी का फोन है, जा उठा। हे, अर्जुन, दीदी का फोन आ रहा है। मुझे नहीं उठाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बहुत अर्जेंट है, उनसे बात करना जरूरी है। शी इज प्रेग्नेंट, प्लीज एक बार बात कर लो। आई डोंट केयर। क्या करूं मैं? हेलो। हेलो, अक्की कहाँ पर है? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए ना। मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं और मुझे लेबर पेन हो रहा है। हाँ। अक्की को बोलो जल्दी से मेरे पास आ जाए। अच्छा अच्छा, प्लीज आप घबराइए मत। मैं अक्की को बोलता हूँ, मैं उसे अपने साथ लेके आता हूँ, आप बस हिम्मत रखिए प्लीज। हाँ। अर्जुन, दीदी को लेबर पेन हो रहा है, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, तुम मेरे साथ चलो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चलो, मेरी बस एक हेल्प कर दो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो चलो। आओ ना, पैर पकड़ो इनका, प्लीज प्लीज, गाड़ी फास्ट चलाओ ना, जल्दी करो प्लीज।
फांसी तो चला रही हूँ। तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? इस तरफ चलना है। अरे उधर इस वक्त बहुत ट्रैफिक होता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी चलो, जल्दी करो प्लीज। दीदी दीदी कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? एक मिनट। क्या हुआ? लगता है इंजन में प्रॉब्लम हो गई है। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, उनको हेल्प चाहिए प्लीज। अच्छा ठीक है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बेटा तुम जरा बाहर जाकर बैठो, इसे मैं देख लूंगी। बेटा तुम इसकी क्या लगती हो? छोटी बहन। इसकी छोटी बहन है। ओके ओके। सब्र रखो बेटा, थोड़ा और, थोड़ा और। थोड़ा और, और सुनो। बेटी इसका हाथ पकड़, आंखें बंद मत करना, कुछ नहीं होगा आपको। सांस लो, सांस लो। डॉक्टर देखो मैं हूं ना, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर चलो चलो, और थोड़ा जोर। दीदी और जोर। दीदी पुश करो। डॉक्टर देखिए ना, कोशिश करो, कोशिश करो, और जोर लगाओ, और जोर, कोशिश करो ना दीदी। दीदी प्लीज आंखें बंद मत करना दीदी, पुश करो ना दीदी, दीदी पुश करो, और जोर लगाओ। मुझे तो लगा था कि ये मर जाएंगी। तुम्हारी दीदी ने बेटे को जन्म दिया, माँ बेटे को नई जिंदगी मिली है। हर माँ इस दौर से गुजरती है। मेरी माँ को भी इतनी तकलीफ हुई होगी। हर माँ को ऐसी ही तकलीफ होती है बेटा, बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। I'm
अब से तू सुंदर मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरे जैसा कोई कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरा दर्द ना हो बयां, लाल पे माँ तू जाए वारी, लाल पे माँ तू जाए वारी, हारा ये जहाँ ना तू हारी। जान ना सका मुजरिम मैं तेरा हूँ, माफ तू कभी भी ना करना मुझे, कोई दे माँ सजा तू, मेरे लिए तू मिट गई, दुख मेरे तू सह गई, कभी प्यार ना मिला मुझसे तुझे, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरे जैसा कोई कहाँ, ओ माँ, तेरा दर्द ना हो बयां, लाल पे माँ तू जाए वारी। क्या हुआ बेटा? अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ए बेटा, माँ की याद आई क्या? हाँ, मुझे माँ की याद आ गई। कोई बात नहीं, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से कहाँ चले गए थे? अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? जानता है, मेरी दीदी से मेरे पिताजी ने आज तक बात नहीं की। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी दीदी मेरे पापा से कभी मिल ही नहीं पाएंगी। हे अर्जुन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि हे, क्या हुआ? मैंने माँ को पहली बार माँ कहकर बुलाया। बहुत डांटता था माँ को, लड़की हो या फिर मेरी माँ ही क्यों ना हो, सबसे चिढ़ थी मुझे। माँ ने बचपन में ही मुझे किकबॉक्सिंग करने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें माँ बोलना ही छोड़ दिया था। पर वो माँ है ना, उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए। माँ क्या होती है ये समझने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। आज जब दीदी को वहां पर देखा तो मुझे माँ पर बहुत दया आई। बेटा, माँ के लिए कुछ करो या ना करो, वो कितनी पागल है, प्यार ही करती है, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। लेकिन अब मैं माँ से उनसे भी ज्यादा प्यार करूंगा। अर्जुन, माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कोई प्यार हो ही नहीं सकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोटी छोटी बातों पे सॉरी, थैंक यू, आई लव यू बोलते रहते हैं, लेकिन माँ को नहीं बोलते, बोलना चाहते ही नहीं। उसकी ममता को वो समझ ही नहीं पाते। तू लड़का हो के लड़कियों की तरह रो रहा है, इधर देखना, रोते हुए कैसा लगता है देखूं तो? अरे बाप रे। अच्छा, मैंने तुम्हें दीदी के लिए इतना परेशान किया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? कोई बात नहीं अक्की, आज मुझे तुम्हारी वजह से माँ मिल गई। अब से अर्जुन अक्की होगा। Thank you. I'm Akshara, Arjun's friend. I'm Arjun.
अक्षरा's friends. तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम. दिल में बसा तू हमदम, सांसों में बसा तू हमदम, आंखों में रहता हमदम, बातों में तू ही हमदम. जिंदगी बंदगी बन गया है तू ही हमदम, आशिकी दोस्ती तुझसे ही है मेरे हमदम. तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम. ये जीवन हुआ मेरा खुशनुमा जब से तुम आए, जीने की नई वजह तुम बनके हो आए. मेरा नसीब है जो मैंने तुम सा पाया साथी, हंसते गाते कट जाएगी तेरे संग जिंदगी. आरजू जूस्त जू दिल में तू ही जगाए हमदम, सीने में दिल बन के धड़के तू ही हर पल हमदम. तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम. किस बात की टेंशन है? कुछ नहीं, एग्जाम्स आने वाले हैं ना. फिक्र मत करो, मैं लिख दूंगी तुम्हारा एग्जाम. कितने सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? 12 है. हाँ, 12 पेपर के एग्जाम देने हैं. वो क्या है ना, बॉक्सिंग के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया. हे भगवान. अच्छा सुनो, मैं पास करवा दूंगी. सच में? हैप्पी वाकी. तेरे बिना अब मेरा दिल एक पल लगता नहीं, अब तुझसे मिले बिना दिल को सुकून मिलता नहीं. आए ना चैन मुझको जब तक तुझको मैं ना देखूं, बस तेरे ही बारे में हर लम्हा मैं तो सोचूं. जान ले मान ले तेरा मेरा है रिश्ता हमदम, इतनी बड़ी दुनिया में चाहूं तुझको बस मैं हमदम. तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, मेरा हमदम. कमाल हो गया, तू पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है. अगर वो फर्स्ट आया है तो मैं कौन से नंबर पे होंगी? अरे यार, तू ही फर्स्ट आया है. हाँ, अरे तू जा कर रहा है? नोटिस बोर्ड देखने जा रहा हूँ, इसलिए. पास हुआ हूँ या नहीं? अरे तू विश्वास क्यों नहीं करता, पूरी यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आया है. क्या हुआ है तुझे? तू हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती थी और अब जस्ट 35 मार्क्स मिले हैं तुझे और ऊपर से डांस कर रही है. क्या है ना, कॉलेज में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है. जिसे 22 मिलते थे उसे 35 मिल जाए तो अक्के के लिए बड़ी बात है. अरे बात वो नहीं है. अरे ये कहाँ जा रही है? मुबारक हो अर्जुन, पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है. सॉरी अक्की, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी लेकिन 35 मार्क्स ही आए हैं. कोई बात नहीं, कम से कम पास तो करवा दिया ना. ये सब छोड़ो, पार्टी चाहिए मुझे, पार्टी. अरे तो चलो ना, चलो. ये क्या सरप्राइज देने वाली थी? ये है तुम्हारा सरप्राइज. टैंग टैंग. एटीएम ने दिया ना? नहीं, तुम्हारे पिताजी ने दिया है. पापा ने? हाँ, मेरे पापा ने दिया है. लक्ष्मी. आ, क्या हुआ जी? ये लो. ये क्या है? बॉक्सिंग ग्लव्स. हाँ? बेटे के लिए खरीदा है. मतलब पता है, लोगों ने बोला रावत साहब का बेटा फर्स्ट आया है, रावत साहब का बेटा फर्स्ट आया है. मेरा बेटा फर्स्ट आया है, आज मैं बहुत खुश हूँ. फर्स्ट आया है वो, ये उसी के लिए खरीदा है. अपने हाथों से उसे देना. ऐसा क्यों?
गुस्सा आप करें और प्यार में दिखाओ ये गलत है, आप ही दे दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा जितनी आसानी से दिखा लेता हूँ प्यार नहीं दिखा पाता लक्ष्मी। उसका बाप हूँ ना। क्या हुआ? हाँ? मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकता ना। कोई बात नहीं, तुम मुझे सिखा दो, मैं सीख लेती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? रात भर पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, पर ये बॉक्सिंग है कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का टॉपिक ही बेकार है। प्लीज डोंट टॉक। अर्जुन, बॉक्सिंग में तो तेरी जान बसती है, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि अब मेरी बॉडी अर्जुन की नहीं अक्षरा की है और इस बॉडी में मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकता। हेलो पार्टनर, एक पैग हो जाए। यूनिवर्सिटी में टॉप किया है ना तुमने, तो ये रॉयल पैग तुम्हारे लिए। वो क्या है ना अंकल, एक छोटा सा संदेह है। पार्टनर, बड़े होते ही किस लिए हैं? बच्चों का संदेह दूर करने के लिए तो होते, बताओ तुम्हें किस बात का संदेह है? वो क्या है ना अंकल, आपने अपनी बड़ी बेटी को अभी तक माफ क्यों नहीं किया? पार्टनर, ऐसे खुशी के मौके पर आखिर तूने उसका नाम क्यों लिया ये बता। उसने मुझे धोखा दिया है पार्टनर, वो इस घर में कभी नहीं आ सकती पार्टनर। सिर्फ शादी ही तो की है ना उसने। सिर्फ शादी की है? 22 साल तक जिसकी मैंने परवरिश की, वो अचानक एक रात घर छोड़कर चली जाती है और कह रहे हो कि सिर्फ शादी की है? एक बाप से पूछो उस पर क्या गुजरती है। मैंने अपना पेट काट काट के उसे पाल पोस के बड़ा किया था और तुम कह रहे हो सिर्फ शादी की है? मैं कैसे माफ कर दूं? पार्टनर, धर्मेंद्र की फिल्म बदले की आग देखी है क्या? नहीं देखी है तो जरूर देखना, वही आग मेरे सीने में जल रही है। एक बाप का दर्द तुम क्या समझोगे? इस दर्द का मैं क्या करूं पार्टनर? मेरे पिताजी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। देखा ना तुमने, बाप अपनी बापता दिखा रहा था, इसे बिठा के शराब पिला रहा था, अचानक चला गया। ये बाप भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है पार्टनर। क्या बात है, अचानक घर पर आने के लिए क्यों बोल रहा है अर्जुन? हे भगवान, घर पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? क्या सोचा था कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? रात को मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने नाती को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, कोई इस प्यार को कैसे ठुकरा सकता है। जानकी, तुम्हारे पति से मुझे कुछ बात करनी है। इससे पूछो जानकी, कॉलेज की फीस चाहिए क्या? इस घर की बड़ी बेटी चाहिए, दीदी चाहिए मुझे। ऐसा क्या किया उन्होंने? धोखा, उसने धोखा दिया है मुझे। उसकी गलती छोटी गलती नहीं है, इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। धोखा? क्या धोखा दिया है उन्होंने? प्यार करके शादी ही की है ना, वो कोई गुनाह नहीं है। जिसने बचपन से उसे सब कुछ दिया, आज वही उससे इतनी नफरत करने लगा है, आखिर इतना गुस्सा किस बात का? जब घर की बेटी रोती है ना जानकी, वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। लड़की का बाप, उसकी छोटी बहन एक ही शहर में रहते हैं, भी पता है जानकी उसके बच्चे ने कैसे जन्म लिया? बीच रास्ते पर जानवरों की तरह जन्म दिया उसे। डैडी, बड़ी मुश्किल से आज मैं दीदी की जान बचा पाई हूँ। अगर थोड़ी थोड़ी भी देर हो जाती ना तो हम उन्हें खो देते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे जाकर ले आइए डैडी। मुझे उसके पास लेके चल, अभी चल, मुझे सीधा उसके पास लेके चल, अभी लेकर आऊंगा उसे मैं।
देखना पार्टनर, मेरी जानकी की तरह मुस्कुरा रहा है। मेरी छोटी बेटी आ रही है। एक मिनट रुक। अभी हम सब लोग एक साथ हैं, एक फैमिली फोटो तो खींच सकता है ना। थैंक यू। मेरा नाम है प्रमोद माथुर, एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई। मेरी ये दोनों बेटियां मेरी आंखें हैं। मेरा नाम प्रमोद माथुर है, मैं एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हूं। मेरी एक ही बेटी है जो बीटेक पढ़ रही है। खुश तो हो ना अक्की? रुको ना, रुको, बोल रहा हूँ ना। क्या हुआ, क्या बात है? तुमने आज मेरे डैडी को देखा? उन्होंने यहाँ हाथ रखा था। दोनों आंखों के आंसुओं को मैंने बड़ी हिम्मत से रोका। अंदर ही अंदर मैंने अपने आप को संभाल रखा था। मैं हमेशा डैडी को दीदी से मिलाना चाहती थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार थी। और उस दिन डैडी ने माँ से बोला कि वो इस घर में कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, दीदी का बच्चा उनकी गोद में देख के यही सब तो मैं देखना चाहती थी। तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता अर्जुन। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? मेरे डैडी हैं, वो मेरी दीदी हैं, इनके लिए तुम क्यों थैंक्स बोल रहे हो? आई एम अक्षरा एंड दैट्स माय फैमिली। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है? आज तुम्हें जैसे तैयार होना है हो जाओ। आज तो मैं भी मस्त तैयार हुआ हूँ। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं दिख सकता, तुम खुद भी नहीं। अगर आज मैं ऐसे रेडी होती ना तो भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती। थैंक यू अर्जुन। चाहिए आज 31st है। हाँ तो बॉक्सिंग का फाइनल है आज। अरे बाप रे, चली तो नहीं गई वो? कौन? वहाँ तो अर्जुन गया है। अशे। रुको, मैं भी आ रही हूँ। अगर मैं अभी बॉक्सिंग ना करूं तो तुम खुश हो जाओगे? हाँ। तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं होंगी। जीतेगा।
उसे कैसे मारूंगा जानती हो? बत्ती सी तोड़ दूंगा। इसे फाइट करना भारी पड़ेगा। नहीं। आज वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुन सानी, प्लीज सानी। ये आपकी, ये सब एक मैच है, तो इतना डर क्यों रही है? चल। आंटी, इसे प्लीज रोक लीजिए ना आंटी, प्लीज। ये अच्छा है ना? अरे बेटी तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो ये मैच हार जाएगा, प्लीज उसे रोक लीजिए। मैच खेलना जरूरी है, जीत हार अलग है बेटी। वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। मैं उसकी जीत पर ये सीटी बजाऊंगा, देख लेना। वो जीतेगा बेटा, तू फिक्र मत कर। उसे आशीर्वाद देने ही हम दोनों यहाँ आए, उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, वो जरूर जीतेगा। इस वक्त मैं अर्जुन हूँ और अर्जुन की जान इस बॉक्सिंग में है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता कि जिस दिन इन दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए उस दिन इनकी शक्तियां वापस आ जाएगी और ये प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी। का जवाब आपने दे दिया गुरुजी। एंड नाउ द फाइनल राउंड। सकते हैं राजकुमार, अब तो हम तुमरा से शादी कर सकते हैं ना?
नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह। जन्मों का रिश्ता है अपना, ओ हो संग में है जीना मरना। धरती कहे ये पुकार के, साथी सच्चे हम प्यार के। सांसें लूं मैं तेरी सांस से, धड़के दिल तेरे एहसास से। एक दूजे के लिए ही हम तो हैं बने, नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह। ख्वाब तो तेरे संग में ढले, मेरी सुबह मेरी शाम तुझसे ही ढले। नैन जब मेरे तेरे नैनों से मिले, ये जिंदगी का पता तब तुझे मिले। मेरी तो दुनिया तेरी पलकों तले, मेरे तो दिन और रात तेरे संग चले। है जैसे रब की दुआ, मांगू तुझको ही हर दफा। मेरा तुझसे ही वास्ता, तेरा मेरा है एक रास्ता। दो बदन है हमारे पर है एक जान। नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह। हाँ मैं चलूं वहां जहां तूने चले, राहों में कदम हर कदम संग तेरे चले। मांगू मैं ये ही ख्वाहिश है मेरी, पाना चाहूँ तुझको हर जन्म में पिया रे। तू है जैसे रब की दुआ, मांगू तुझको मैं हर दफा। मेरा तुझसे ही वास्ता, मेरा एक रास्ता। छोड़ के न जाना मुझको, तू है मेरी जान। नीला नीला आसमां देखो है गवाह, हम दोनों के प्यार का ये सदियों से गवाह।